हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की अदम एतमाद तहरीक में तेजी आ गई है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी की है। उस्मान खान से तफसीला जानते हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अपोजिशन जमातों ने जो है वो तेजी लिए हैं। अपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों के सरबराहान ने गुज़श्ता रोज़ आपस में एक तफसीली मुशावरत की थी टेलीफोनिक, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडरान और चीफ वेप्स को ये हिदायत जारी कर दी है कि वो अपने जो अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, जिनमें अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, PNP, मैंगल आज़ाद, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के मेंबरान शामिल हैं, इन तमाम तर मेंबरान को आज रात इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो रवा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें अपोजिशन जमातें अब बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामान के अंदर हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक की उस हवाले से अपनी पार्लियामानी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। रवा हफ्ते में अपोजिशन जमातें जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाएगी, जिसके बाद चूँकि इस पार्लियामानी मेंबरान का इस्लामाबाद में होना ज़रूरी है, जब अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है तो स्पीकर फिर तमाम मेंबरान को जिनके पार्लियामानी अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत मौजूद होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे तस्दीक की जाती है। तो इस तमाम तफसील को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर पार्लियामानी मेंबरान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।